वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, देन इंट्रोडक्शन टू सीमेंट, मेन फीचर्स सीमेंट के, फिर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट एंड देयर फंक्शन। तो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एग्रीगेट वाटर विद और विदाउट यूजिंग एडमिक्सचर्स। अब इसमें जो सीमेंट यूज़ करते हैं, सीमेंट को हम एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। दूसरा बाइंडिंग मटेरियल हम लाइम भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में जो कंक्रीट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड लाइम कंक्रीट। वाटर को हम यूज़ करते हैं एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट। तो जितने भी सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंक्रीट के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको लुब्रिकेशन करने का काम पानी से करते हैं। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है एग्रीगेट। तो दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कॉस्टिक एग्रीगेट, एंड दे प्रोवाइड सम स्ट्रेंथ एज वेल एज दे प्रोवाइड इकोनॉमी टू द कंक्रीट मिक्स, क्योंकि मिक्स के अंदर 60-80% हमारा एग्रीगेट का प्रोपोर्शन होता है। अब सीमेंट की अगर हम बात करें तो सीमेंट की खोज 1824 में ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एक ब्रिक मेसन्स था जिसका नाम था जोसेफ एस्पेडिंग। तो उसने इसकी डिस्कवरी की और उसको ये लगा कि वहाँ पर जो अवेलेबल स्टोन्स हैं उनको अगर बारीक पीसा जाए, हीट किया जाए और फिर बारीक पीसा जाए, उनको ग्राइंड किया जाए, ग्राइंड करने के बाद जब पानी के साथ मिलाते हैं उनको, तो वो उसके सूखने के बाद स्टोन की तरह हार्ड हो जाता है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ दिस अमेजिंग मटेरियल नाउ इट इज़ कॉल्ड सीमेंट। और इनिशियली हमने इसको नाम दिया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, क्योंकि ये जो जगह थी वो पोर्टलैंड नाम से वहाँ पर ब्रिटेन में जगह है, और वहाँ पर ये जो स्टोन्स था जिसके अंदर बाइंडिंग और कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ उसको मिली, इसलिए इसका नाम दिया गया कि सीमेंट का नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर बाइंडिंग और कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ मिली उसको। अब हम बात करें कि सीमेंट को बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से बेसिक मटेरियल्स चाहिए। तो बेसिकली दो मटेरियल्स या दो टाइप के स्टोन्स आपको चाहिए। वन इज़ कॉल्ड कैलकेरियस स्टोन्स और सेकंड इज़ कॉल्ड आर्जिलिस स्टोन्स। तो सीमेंट बनाने के लिए हमारे को कैलकेरियस रॉक्स हमारे को जो है कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह या लाइम हमारे को प्रोवाइड करती है, विच इज़ ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। और जो आर्जिलिस स्टोन होते हैं वो एलुमिना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों रॉ मटेरियल्स को हम, जिसके अंदर टू पार्ट्स को हम लेते हैं, कैलकेरियस मटेरियल और एक पार्ट हम लेते हैं आर्जिलिस मटेरियल्स। तो इनको पहले क्रश किया जाता है और फिर पाउडर फॉर्म में हम इनको बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद क्लिंकर फॉर्मेशन होती है। क्लिंकर्स को फिर बारीक ठंडा करके बारीक पीस लिया जाता है, और इतना बारीक पीस लिया जाता है जितने की हमारी सीमेंट बारीक होती है। अवेलेबल जो फाइनल मटेरियल हमारे को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड सीमेंट। तो सीमेंट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सीमेंट एक तो बहुत बारीक होती है, कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स को आप, सीमेंट के पार्टिकल्स को आप नहीं दे सकते। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब पानी के साथ हम सीमेंट को यूज़ करते हैं तो इट गिव्स बाइंडिंग एंड सेटिंग प्रॉपर्टी, और वो कुछ समय के बाद एक पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है। इट्स प्रोवाइड्स ए वेरी गुड बाइंडिंग मटीरियल। एक और प्रॉपर्टी होती है सीमेंट की, कि सीमेंट एक हाइग्रोस्कोपिक मटीरियल है, मीन्स
अगर सीमेंट हवा में से ह्यूमिड एरिया में आप सीमेंट को रख दो ओपन, तो ये हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। वैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कुछ इम्पोर्टेंट फर्म्स हैं जैसे कि ACC ब्रांड है, JK है, JP है, या आप ये कह लीजिए बिरला है, या बंगर सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह है, और आज के दिन बहुत सारी प्रिज्म सीमेंट है, बहुत सारी कंपनी हैं जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। सीमेंट का जो वेट होता है ये 50 किलोग्राम के बैग में पैकिंग में आती है, और वाटर टाइट पैकिंग इसकी होती है, इसलिए क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। और एक बैग की जो वॉल्यूम है वो हम 0.05 मीटर की लेते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल और डिजाइन पर्पसेस। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि सीमेंट के बनाने के लिए व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स। अब सीमेंट चाहे वो OPC हो या PPC सीमेंट हो, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, उनको बनाने के लिए हमारे को जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपको दो रॉ मटेरियल्स या रॉ स्टोन्स आपको चाहिए। वन इज कॉल्ड कैलकेरियस रॉक्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड आर्जिलिसियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक्स जो होती हैं वो हमारे को कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट प्रोवाइड करती है, और उसके एग्जांपल्स हैं लाइमस्टोन है, चॉक है, या मार्ल है, या ऑस्टर शेल वगैरह है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रॉक्स विच आर कैलकेरियस इन नेचर, या विच प्रोवाइड दिस कैल्शियम कार्बोनेट कंपोनेंट। सेकेंड जो रॉ मटेरियल है वो है आर्जिलिसियस रॉक्स या स्टोन्स। तो ये हमारे को एल्यूमिना प्रोवाइड करते हैं, और एल्यूमिना भी एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है सीमेंट में जो यूज होता है बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है क्ले है, सेल है, स्लेट है, या सिलेक्टेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होती है, तो वो सभी हमारे को एल्यूमिना प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, यानी जब सीमेंट बनकर तैयार हो जाती है या सीमेंट बनाने के लिए उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और उनका क्या फंक्शन होना चाहिए वो हम बात करेंगे। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइम, और लाइम की जो परसेंटेज हम रखते हैं 60-65% हम उसके अंदर परसेंटेज लाइम की रखते हैं, और जो एक्चुअल जो यूज़ करते हैं वो हम 63% जो है ना फिक्स कर सकते हैं। और लाइम का एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट के अंदर, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर लाइम कंटेंट लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये सीमेंट को अनसाउंड बना लेता है, और अनसाउंड का मतलब होता है कि उसके अंदर क्रैकिंग वगैरह आ जाती है। और अगर इसकी शॉर्टेज हो तो शॉर्टेज होगी तो वहाँ पर हमारे को स्ट्रेंथ का लॉस होगा, बिकॉज लाइम इज मेनली एडिड या मेनली रिक्वायर्ड फॉर गिविंग स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट। सेकंड आ जाता है सिलिका। सिलिका का कंटेंट हमारा होता है 17-25%, और हम 22% ये आमतौर पे फिक्स कर लेते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और सिलिका भी स्ट्रेंथ देती है, और एक्सेस में अगर हो तो वो स्लो सेटिंग प्रॉपर्टीज़ दे देती है मिक्स को, और अगर सिलिका ज़्यादा मात्रा में डाल दें तो उस केस में सेटिंग एक्शन जो है उसका थोड़ा सेटिंग जो है ना क्विक सेटिंग सीमेंट हमारी हम बना सकते हैं अगर हम ज़्यादा डेफिशिएंसी में डालें। थर्ड मटेरियल है एल्यूमिना। एल्यूमिना हम रखते हैं 3-8%, और 6% हम फिक्स कर सकते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एल्यूमिना का काम क्या है कि ये जो है जब सीमेंट के रॉ मटेरियल्स को हम बर्न करते हैं तो जो क्लिंकर फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसको ये लोअर करने का काम करता है। तो इट लोअर्स द क्लिंकर्स या फ्यूजन टेम्परेचर वाई बर्निंग ऑफ द मटेरियल्स। और
क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है, और अगर हम ज़्यादा एल्यूमिना डाल देंगे तो इट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट आ जाता है आयरन ऑक्साइड, ये हम 0.5 to 6% लेते हैं और 3% हम एवरेज फिक्स कर सकते हैं उसमें यूज़ करने के लिए। इट्स आयरन ऑक्साइड ऑल्सो हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ दिस मटीरियल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड कलर एंड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.5 to 4%, और इसको हम 2.5% जो है ना एवरेज फिक्स कर लेते हैं। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी कलर प्रोवाइड करती है सीमेंट को, हार्डनेस प्रोवाइड करती है, और अगर ज़्यादा हम डाल लें तो इट विल मेक द सीमेंट अनसाउंड, इसलिए इसकी क्वान्टिटी भी कंट्रोल्ड क्वान्टिटी 2.5% के आसपास ही हम डालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका कंटेंट होता है 1 to 3%, और एवरेज आप 1% ले सकते हो। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी ज़्यादा होगी तो इट विल मेक द मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब होता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी नहीं होती, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा होगा उसके इसमें। और अगर ये डेफिशिएंट होगी उसमें तो इट विल मेक द सीमेंट साउंड एंड ड्यूरेबल। लास्ट आ जाता है अल्कलीज ऑफ सोडा एंड पोटाश, ये 0.5 to 1% हो सकते हैं, मैक्सिमम 1% हम ले सकते हैं, लेकिन इनकी हमारे को आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते। अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इट विल कॉज इफोरेसेंस इन सीमेंट विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। और एक चीज़ और हम डालते हैं जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम बोलते हैं, जो फाइनल ग्राइंडिंग करते हैं सीमेंट के लिए, हम फाइनल ग्राइंडिंग कर मिक्सिंग करते समय, जब हम मिक्स करते हैं कंक्रीट को, मिक्सिंग करते समय हम 3% बाय वेट हम उसका डाल देते हैं जिप्सम। और जिप्सम में भी हम इसलिए डालते हैं कि जो उसका सेटिंग एक्शन है वो हमारा स्लो हो जाए, यानी कि इनिशियल सेटिंग को थोड़ा डिले करने के लिए हम उसके अंदर जिप्सम ऐड करते हैं। और इनिशियल सेटिंग टाइम डिले करने का पर्पज हमारा होता है कि कंक्रीट को हम यूज़ कर सकें। तो ये ओपीसी के केस में इट जो इनिशियल सेटिंग है शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स, तो कम से कम 30 मिनट का हमारे पास समय हो ताकि जो आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं आप उसके ऊपर ज़रूरी ऑपरेशंस हैं वो आप कंप्लीट कर पाओ, इसलिए उसके अंदर हम जिप्सम ऐड करते हैं ताकि वो कम से कम हाफ एन आवर हमारे को मिले जिसके अंदर ये सारे ऑपरेशन पूरे हो गए। थैंक्स ऑल।